प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूं जो आपकी गरीबी को कुछ ही महीनों में दूर कर देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एजुकेशन सिस्टम के कुपोष और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों से शेयर की थी। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर तुरंत देखें, क्योंकि यहाँ पर दी हुई जानकारी बहुत कम ही आपको और किसी चैनल में मिल पाएगी। सबसे पहले हम ये अच्छे से समझ लेते हैं आखिर एसेट्स कहते किन को हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा एसेट्स जो वो चीज होती हैं जो आपका पॉकेट में मनी डालती है, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर आप लोगों को डिफरेंस समझना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा बचपन से वो चीजें जो आप लोगों ने जोड़ी हैं, जिन जिन से आप लोगों की जेब में मनी ऐड हुआ है। जी हाँ, अब ये मत कहना कि हमने बहाने करके पेरेंट्स से पैसे लिए, जी नहीं, इसकी बात नहीं चल रही है। तो आपको वो चीज़ें देखनी है जिन जिन चीज़ों ने आपकी जेब में यानी पॉकेट में पैसा ऐड किया है, वो आपका कहलाती हैं एसेट्स। और जो चीज़ें आपने ऐसी खरीद ली हैं जिनकी वजह से आपकी पॉकेट से पैसा गया है, वो कहलाएगी लायबिलिटीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, को फिर से समझ लेते हैं आखिर एसेट्स होते क्या हैं। एसेट्स में ऐसी चीज़ें काउंट होती हैं जो आपकी पॉकेट में मनी को ऐड करती हैं। जी हाँ, जो आपकी पॉकेट में पैसे ऐड करती हैं वो एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं, और जो चीज़ें आपकी पॉकेट से मनी को निकालती हैं वो आपकी लायबिलिटीज़ में काउंट होती हैं। तो 10 ऐसे एसेट्स जानते हैं जिन्हें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। सबसे पहला एसेट आता है रियल इस्टेट। जी हाँ, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मिलेनियर रियल इस्टेट से ही आते हैं। इसमें पैसा दो तरह से लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है फ्लिप मेथड। जी हाँ, इस तरीके में मार्केट से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और कुछ साल से होल्ड करके मार्केट से ज़्यादा प्राइस में बेच दी जाती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको ऐसी दिखती है जिसकी हालत बहुत ख़राब है और उसके सामने काफ़ी कूड़ा है और गंदगी इतनी है, सीवेज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीद रहा है और उसके रेट काफ़ी डाउन हो चुके हैं, तभी एक स्मार्ट प्रॉपर्टी डीलर आता है और उसकी सफाई करवा कर, मेंटेनेंस करवा कर, उसे नीट एंड क्लीन कर देता है, बाउंड्री लगवा देता है। कुछ समय बाद उसे होल्ड करने के बाद उसे काफ़ी अच्छे रेट में बेच देता है, जो कि ओल्ड प्रॉपर्टी के रेट से काफ़ी ज़्यादा रेट थे, यानी 3-4 गुना थे। तो हो गया ना मुनाफा आखिर। लेकिन आप लोगों को ये उतना मजेदार नहीं लगेगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से केवल एक ही बार फायदा उठाया, लेकिन असली इन्वेस्टर कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड करते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे शॉपिंग मॉल, मल्टी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिससे रेगुलर इंटरवल में हर मंथली कुछ ना कुछ मनी जनरेट होते रहे। जैसे शॉपिंग मॉल्स आपने देखे होंगे और कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, जिससे हर महीने पैसा आता रहता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले एसेट्स की ओर और अच्छे से जान लेते हैं, जो है बिजनेस। ज़्यादा लोग फेलियर के डर से बिजनेस के नाम से ही डरते हैं, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल बड़े बिजनेसमैन बताते हैं कि एक ही सोर्स पे डिपेंड होके अपनी ज़िंदगी गुजार देना लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होता है। जैसे मैं पहले एक जॉब पर डिपेंड रहता था, जब तक काम करता था तब तक पैसे मिलते थे, जैसे ही काम करना बंद किया तो पैसे भी बंद। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो ना ही एजुकेटेड होते हैं और ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर भी वो अपनी लाइफ में फुल टू एंजॉय करते हैं, काफ़ी घूमते फिरते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने साइड पर बिजनेस खड़ा कर लिया होता है जो उन्हें पैसे ला कर देता है। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं या फिर डरते हैं, तो भी आप किसी और के चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी ले सकते हैं, जिसे कहते हैं शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, जो है अगला एसेट। तो शेयर मार्केट ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, जहाँ पैसे लगाने का मतलब है अपने पैसे को दांव पर लगा देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर स्ट्रेस और टेंशन उनके लिए है जो स्क्रीन में बैठकर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम कंपनी आपको प्रॉफिट ही लाकर देंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा दें। अगर किसी कंपनी में पैसा लगाने की बात आए तो उस कंपनी की कंप्लीट नॉलेज
जरूर होनी चाहिए, यानी पूरे फंडामेंटल्स माइंड में होने चाहिए। उसके प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज लोग कितना पसंद करते हैं और आने वाले समय में उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसी है। एक बार आपने अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या है दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ के साथ आप लोगों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी विदाउट एनी टेंशन। दोस्तों अगला एसेट्स निकल के आता है इंडेक्स फंड, जिसमें इंडिया के बहुत से अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है निफ्टी 50, जिसका मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। रिच लोग अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, अगर आप इसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको 15% रिटर्न दे जाती है। जब जब मार्केट डाउन जाता है या गिरता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें और पैसा लगाते हैं, और कुछ इन्वेस्टर अपने पैसों को निकाल लेते हैं, उनको पैसा डूबने का काफ़ी डर लगा रहता है। निफ्टी 50 की खास बात ये है कि हमको यहाँ कंपनियाँ नहीं सेलेक्ट करनी पड़ती, हमारे पैसे टॉप 50 कंपनीज में ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। जब जब मार्केट गिरता है तो वो और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब उठता है तो और ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं, जिनको हम स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला एसेट आता है कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज में आपका गोल्ड और सिल्वर आते हैं। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप इसकी ज्वेलरी बना दें, ज्वेलरी में आपको यहाँ पे मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जबकि एज अ कॉमोडिटी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए आपका और अनदर ऑल्ट कॉइन्स आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे RBI गोल्ड बॉन्ड भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपको बेहतर रिटर्न निकल के आते हैं। अगला एसेट निकल के आता है कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट भी एक तरह का एसेट में काउंट होता है, जिसमें आपका इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे वीडियो मेकिंग हो गया, बुक आपने लिख दी जिसमें आपका माइंड लगा, खुद का माइंड लगा, ठीक है, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक गाना गाया जिसमें मैं अपना कॉपीराइट क्लेम, पेटेंट और लाइसेंस ले सकता हूँ। अगर कोई इस म्यूज़िक को इन फ्यूचर यूज़ करता है तो मुझे सालों साल इसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी और मेरा एक इनकम का सोर्स यहाँ पे बन जाएगा। म्यूज़िक के तौर पे आप बाकी चीज़ भी ले सकते हैं जिसमें आपका अपना इंटेलेक्ट यूज हुआ। दोस्तों सातवां सेट निकल के आता है कैश। जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि कैश कैसे असेट हो सकता है, कैश तो अगर हमारे पास है हम तो उसे तुरंत खर्च कर देंगे। जी हाँ, कैश भी एक तरह का एसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोई बहुत अच्छी चीज़ या बहुत महंगी चीज़ काफ़ी सस्ते दामों में मिली है, 50% ऑफ है, ठीक है, तो मुझे तुरंत कैश चाहिए होगा उसे खरीदने के लिए, तो ये एक तरह का मेरा इन्वेस्टमेंट और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगला आता है मेडिकल इमरजेंसी। जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी लाइफ से बड़ा कोई एसेट नहीं है, उसमें भी हमें कैश चाहिए होता है। दोस्तों अगला एसेट्स निकल के आते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट एंड मशीनरी। जी हाँ, इक्विपमेंट और मशीनरी में हम कुछ भी ऐसे डिवाइस या इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका मनी जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, यदि हम कोई गाड़ी लेते हैं या कार लेते हैं जो हम पर्सनल यूज़ में लाते हैं तो एज ए लाइबिलिटी है, जबकि हम एज ए टैक्सी यूज़ करते हैं तो रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकती है, जिससे हम उसका मेंटेनेंस भी ला सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, हम लैपटॉप का भी ले सकते हैं और उसके साथ मोबाइल फ़ोन भी। अगर इसको हम गेमिंग के पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और एज ए लाइबिलिटी है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी हमें अपनी जेब से देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बी लर्निंग या आपका एजुकेशन स्किल सीखते हैं जिससे हम वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे हम रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो ये हमारा तो ये एज एसेट्स की तरह यूज हो सकता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है रेगुलर इनकम के लिए। अगला एसेट इक्विपमेंट्स के बाद 9th एसेट निकल के आता है यहाँ पे पीपल। जी हाँ, पीपल यानी लोग। लोग भी एक तरह का एसेट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? जी हाँ, किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग से लेकर सर्विस तक वहाँ की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो वहाँ की एक्सपर्ट टीम होती है। जी हाँ, टीम यानी लोग। लोग अगर अच्छे हैं, लोग अगर वेल स्किल्ड हैं, तो इसकी वजह से पूरी कंपनी की ग्रोथ होती है, कंप्लीट इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। इसलिए पीपल भी यानी लोग भी एक तरह का एसेट्स ही होते हैं। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट निकल के आता है टाइम। जी हाँ दोस्तों, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसको कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आखिर कहा भी क्या है, वंस टाइम हैज़ गॉन नेवर कम्स अगेन। जी हाँ, टाइम एक ऐसा एसेट है जिसको हम कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं, जबकि मनी को हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर समय किस में बर्बाद करते हैं? सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखते हैं तो डेफिनेटली वो आपका एसेट है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं हमें अपने टाइम को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसको हमें यहाँ तो किसी चीज़ को सीखने में, नई स्किल सीखने में, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ने में और अच्छी अच्छी
चीज़ें, क्योंकि जितना समय हम सीखने में लगाएंगे उससे हमारी मेंटल ग्रोथ होगी, और मेंटल ग्रोथ होगी स्वाभाविक है, हर किसी की ग्रोथ होगी, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे वो फैमिली में हो। इसलिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके लिए ये 10 एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए मनी ग्रेडेंट से, और अपने कमेंट्स हैं फ्रेंड्स क्रिएट एसेट्स, और अपने कोई डाउट्स हैं कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली नीचे पूछिए, आपको उसकी वीडियो डेफिनेटली मिलेगी।